हेलो जी, राम राम। कैसे आप सब? ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं, मौज में हैं। आप सबका भी नतीजे व्लॉग में स्वागत है। और जो मेरे चैनल पे नया आए हैं वो चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करा करो और कमेंट करा करो। कमेंट इसलिए कि मान लो कोई प्रॉब्लम है या जैसे किसी चीज़ की भाई कहीं पर वो होता ना कि देखो परफेक्ट तो हम भी नहीं हैं, लेकिन जैसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है वीडियो में तो प्लीज़ बता दिया करो कि ये गलती है, तो कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में वो गलती ना हो। तो जी, आज का मेरा सारा काम हो गया है घर का और पूजा पाठ भी हो गई है, क्योंकि आज है 2 अगस्त और दिन है शिवरात्रि का। हैप्पी शिवरात्रि सभी को मेरी तरफ से। पहले तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो हैप्पी शिवरात्रि की। और जी, इसी के साथ क्योंकि देखो पूजा पाठ तो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं मंदिर तो गई नहीं थी, घर में ही मैंने शिवलिंग रखी हुई है तो मैंने वहीं पे पूजा पाठ करी थी अपनी। उसकी भी मैं एक छोटी सी क्लिप डाल दूँगी आपको, क्योंकि बच्चों के साथ ना, एक तो जो बड़े बच्चे हैं वो तो चले गए स्कूल में और साथ में जो 2 छोटे बच्चे हैं, चेतना है, मैं उसको प्यार से गुड्डू बोलती हूँ, उसकी भी आज छुट्टी थी, वो भी नहीं गई। और फिर साथ में नक्षित के साथ में जाती कहाँ, तो मंदिर पड़ता है मेरा थोड़ा सा दूर यहाँ से मेरे घर से, तो मैं मंदिर नहीं जा पाई। हाँ, शाम को शायद नेहा आएगी तो नेहा के साथ मंदिर जाना हो जाए तो ज़रूर दिखाएंगे आपको, मेरे व्लॉग में बने रहना। और जी, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सूट, क्योंकि जो मेरे पास 4-5 सूट हैं मैं उनको सिलने वाली हूँ। क्यों सिल रही हूँ वो तो आप सबको पता ही होगा रीज़न, कि त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार जैसे तीज आने वाली है, फिर रक्षाबंधन है, तो काफ़ी त्यौहार एक से एक स्टार्ट हो जाते हैं। तीज से कहते हैं कि हमारे त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि गई होली तो गए त्यौहार, आई तीज तो आए त्यौहार। तो जी, इसी के ऊपर मैं अपने सूट दिखाऊंगी आपको कि मेरे पास कौन कौन से सूट हैं, और सिलाई भी करूँगी क्योंकि मैं खुद ही सिल लेती हूँ अपने सूट, मुझे बाहर के सूट पसंद आते नहीं हैं, बाल हो गए सफ़ेद तो इनमें भी डाई लगाना। तो जी, इसी के साथ थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको, तब के लिए बाय बाय। जी, मैं आपको बता रही थी कि मैं मतलब कौन कौन से सूट सिल रही हूँ, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैं कौन कौन सा सूट सिल रही हूँ। एक तो ये है जो भाभी का है, देख धोती सलवार चली हुई है ना, अफगान मतलब क्या बोलते हैं जिसके मतलब आगे से वो लहरी सी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखो गाइस, ये है जिसकी यहाँ से पट्टी आ रही है पाइपिंग से, यहाँ से ये इस टाइप के हैं। इसकी तो इतनी डिमांड थी इस वाली सलवार की, तो मैंने बहुत मतलब 2-3 तो मैंने बाहर सिल के दी थी, मेरे पास भी हैं। फिर भाभी ने भी बोला मुझे कि भाई मेरे लिए भी सिल दो। और ये इसका कमीज है, उल्टा है गाइस, एक मिनट रुको मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये इस रेड वाली जो सलवार दिखाई है उसका सूट है और ये इस पर बॉर्डर है, बाजू इसकी मैंने मतलब अभी तुरपाई नहीं हुई इसकी, ये इस साइड की बाजू बनाई है जो गले से वो होते हैं ना राउंड शेप में, वो वाला अच्छा है। और उसके बाद एक सूट ये है, ये भी भाभी का ही है, और इसकी ये बाजू ये यहाँ से खुली है इस साइड से, और ये डिजाइन है इसके नीचे, ये पैंट है, पैंट पे कोई डिजाइन नहीं है, सिंपल ही है पैंट तो ये इसका। और एक ये सूट है जो मेरा है, इस पर
सिर्फ नेक पे गले पे ही कढ़ाई है, बाकी तो आपको रील मिल जाएगी इनकी, क्योंकि ऐसे अच्छे से समझ में नहीं आता। और एक गाइस ये वाला सूट है, इस सूट के लिए तो काफ़ी वो है कि भाई सी लो दिखा दो। ये इसके पोंछे पे डिजाइन है, ये इस तरीके से, बाकी कहते हैं ऐसा समझ में नहीं आता। ये इसका सूट है ब्लैक वाला, ये वैसे नीचे से पले ना, सिर्फ इसके तो गले गले पे वो है कढ़ाई इस तरीके की। सलवार है नहीं इस पर, तो भाई सलवार के लिए तो कंडा। और एक ये जो कपड़ा है ना, ये इतना प्यारा है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है। ये इसकी चुन्नी है, और जी ये वाला सूट है, ये इसका गला है। हम आपको खोल के दिखाते हैं अच्छे से, ये वाला देखो, ये इसका गला है, ये गले पे फूल है, एक फूल ये है, और ऐसा ही सेम फूल इसके बैक में आएगा पीछे, वो आपको सिलने के बाद अच्छे से दिख जाएगा, क्योंकि ऐसे अभी तो मैं भी आपको नहीं दिखा पा रही अच्छे से। ये देखो, ये इसका सेम फूल इसका ये पीछे है, और ये इसकी सलवार है, सलवार का कपड़ा भी अच्छा है। तो गाइस बाकी आपको इसकी रील मिल जाएगी। के जी ये इस वाले सूट की और ये ब्लैक वाले सूट की रिक्वेस्टेड वीडियो है कि इन पे वीडियो बनाओ और दिखा कि कैसे सूट है, क्योंकि मैंने ये सूट यहीं से लिए थे और किसी को देखने थे, किसको देखने था वो समझ गया कि ये किसके लिए रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो देख लो ये है मुझे, अच्छे लगे तो मुझे बता देना, मैं ले लूँगी, लेकिन थोड़ा जल्दी करके बताना, ये ऐसा ना कि सूट बिक जाए। ठीक है, तो मैं सील लेती हूँ इनको, और एक मम्मी देखो वहाँ से, मैंने मम्मा मम्मी ये मुझे कोई काम नहीं करने देता। कौन है उत्तर के, देखो इसके अंदर कितनी जान आ रही है, बाग क्या, ये देखो कैसे निकलता है इससे। हेलो हेलो बोलो, राधे 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 बोलो, सुनो नक्सी नक्सी बोलो नु, पापा आ जा जल्दी आ जा, आ आ जिद है ये मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा है ना, कैसा बेटा है, किसका बेटा है, पापा पापा और मम्मा का बेटा है, पापा मम्मा मम्मा पापा पापा नशु, पापा कहाँ गए, कहाँ गए, ऊपर हैं, किधर गए पापा, बाहर गए। ये चम्मच निकालो मुंह से पहले, और ये बताओ आप बेटा किसके हो, पापा मम्मा के बेटा हो, पापा मम्मा का बेटा, क्यों पापा मम्मा 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 बेटा भी पापा का रहेगा, वैसे सब कुछ मम्मा के लिए है, इसका प्यार मम्मा के लिए है, लेकिन बेटा पापा का ही है ना। गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। किसे भाग गया वो, अभी आपके सूट आप मशीन चलाना शुरू करो जब पता चलेगा क्या कर रहे थे दोनों। अच्छी बात है नैति, मम्मा मशीन चलाएगी, अब शैतानी करनी है, मम्मी देखिए मम्मी देखिए।
चैतन चैतन जगा। देखना भाई क्या मेरे पैरों पे बंदर बन रहा है, क्या कर रहा है ये, खड़ा हो जा खड़ा हो जा। कहाँ जाऊँ बताना, कहाँ जाऊँ मैं करना बता ना बता। देखो इसका स्विमिंग पूल लटकना। ये जो पांचे के साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना उसको काट ले, तो क्योंकि पांचे में गुलझट नहीं पड़ती मेन। तो चलो दिखाती हूँ आपको मैं, सलवार हो गई तो कटिंग भी बता देना, मैं कटिंग करके दिखा दूँगी आपको अगले वीडियो में, कटिंग भी दिखा दूँगी। ये इसके पहुँचे देखना, कईयों में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से करते हैं ना, यहाँ छः ले लिया तो यहाँ 6.5 ले लेते हैं तो चोंच निकलती है। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लोगे तो ये चोंच नहीं निकलेगी ऐसे। अब आपको पूरे सलवार का लुक दिखाती हूँ, कितनी भारी सलवार होती है। तो जी इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, इस लोग का वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय।